नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को बुढ़ाना की हिंडा नदी के किनारे स्थित कमांडो क्लब में कराटे टैलेंट शो का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि थल सेना के कर्नल अब्दुल हमीद खान, अति विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता राजेश संगल और फैज गार्डन के ओनर इमरान जिया रहे। जहां जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, एमएमए व कुंग फू के खिलाड़ी मोहम्मद राशिद, समीर, असलम, जीशान और मोहम्मद उस्मान के अलावा मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, चरथावल, तावली व जानसठ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी को तालियां बजवाने पर मजबूर किया। अपने संबोधन में कर्नल अब्दुल हमीद खान ने कहा कि ये कला किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि देश के दुश्मनों को परास्त करने के लिए है। उन्होंने क्लब के ओनर गुलफाम सिद्दीकी सनी को अपनी ओर से 2 कैप व 18,000 रुपए और भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजेश संगल व फैज गार्डन के ओनर जिया ने 5,100 रुपए देने की घोषणा की। यहां बीएसएफ कमांडो शिवराज सिंह, सुनील, सुमित सैनी, आबिद व दीपक सहरावत ने खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा किए। बच्चों को देशभक्ति का जज्बा चढ़ाने का प्रोग्राम, बच्चों को कैसे अपना मकसद कभी छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, बाउंस बैक करना है, हार को कबूल नहीं करना है और सिर्फ जीत की तरफ बढ़ते रहना है, उसका प्रोग्राम। ये इनको इस बात का प्रोग्राम था कि इसी गली मोहल्ले में मेहनत करके, इसी तरीके से मेहनत करके इनको देश की का नाम रोशन करना है, उन बुलंदियों पे पहुंचना है जहां इंटरनेशनल लेवल पे देश की का नाम रोशन करना है। ये प्रोग्राम था इनको नेक्स्ट मैरी कॉम बनाने का, या जो अभी एक हमारी ओलंपिक्स में रेसर हैं आसाम की दास, उनकी तरीके से इनको ओलंपिक्स में मेडल लेने का, या जो जेवलिन थ्रो में हमारे अभी गोल्ड मेडल लेकर के आए चोपड़ा था, उनको उनके नीरज चोपड़ा, उनको उनकी तरीके से बनने के लिए प्रेरित करने का बिल्कुल चलता रहेगा। जिस तरीके से मैंने हौसला देखा यहाँ के लोगों का, बुढ़ाना के लोग जिस तरीके से बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना तन मन धन अपना वक्त अपना कंट्रीब्यूशन डोनेशंस दे रहे हैं, इस क्लब चलता रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये क्लब एक दिन जरूर ऐसे बच्चों को सामने लाएगा जो ओलंपिक का मेडल जीतेंगे। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।